Everyone, welcome to English class. Today our poem is A House, A Home. आज की जो हमारी poem है A House और A Poem, इसमें हम इनके difference जानेंगे कि दोनों में different क्या है, house क्या है और home क्या है. क्या आपको मालूम है house और home में क्या difference है? हम सब बोलते हैं house का भी use लेते हैं, home का भी use करते हैं, दोनों का meaning भी एक ही होता है, घर होता है, किंतु इनमें difference क्या है, अंतर क्या है, वो आज हम इस पोएम के द्वारा जानेंगे. व्हाट इज अ हाउस? हाउस क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड बोर्ड डेट्स हार्ड. तो बताया गया है कि जो हाउस है वो किन से बना होता है? ब्रिक्स यानी ईंट, स्टोन वुड लकड़ी, हार्ड. ये जो वुड्स है, ब्रिक है, स्टोन है, ये बहुत ही क्या है, कठोर चीज़ें होती है और इनसे क्या होता है, बना हुआ होता है. ये जो स्टोन उसे हम इजिली क्या है, ब्रेक नहीं, तोड़ नहीं पाते हैं, तो इन सब से क्या बनता है, ये हाउस बनता है. सम विंडोज ग्लास और उसके अंदर कुछ खिड़कियाँ होती हैं और जिसके ऊपर क्या ग्लास लगे हुए होते हैं. एंड परहैप्स अ यार्ड और कुछ घर ऐसे ही है जिनके पीछे क्या है, खुला मैदान होता है, यार्ड्स होते हैं. इट ईट्स एंड चिमनी एंड टाइट फ्लोर्स. और क्या है कि किसी भी हाउस में क्या होते हैं, चिमनी भी होते हैं और जो फ्लोर होता है वो टाइल का होता है और ओरी भी होती है. एंड स्टको एंड रूफ. और कुछ जो हाउस होते हैं वो प्लास्टर के होते हैं, किसी के हाउस में छत होती है. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स और बहुत सारे क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं. तो हमने यहाँ पे हाउस का अर्थ क्या जाना. हाउस मीन्स क्या है? हाउस हम मकान को कहते हैं जो ईंट पत्थर से, जो सीमेंट से बना हुआ होता है, जिसके अंदर काफ़ी खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, छत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मकान कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाउस. व्हाट इज़ अ होम? होम क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. तो यहाँ पर देखना, आपको मैंने यहाँ पर हाउस के बारे में बताया है. हाउस में क्या है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है. नॉन थिंग्स जिस निर्जीव वस्तुएं, और इसमें क्या है, सजीव एक भी नहीं है. तो ये हाउस हो गया. होम में क्या है, हम यहाँ पे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ परिवार होता है, प्रेम होता है, जहाँ हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. इसमें भाई बहन भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं. तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं. कहाँ होते हैं? होम में फैमिली मेम्बर्स होते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग. और इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का क्या है, हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं और हम चीज़ें शेयरिंग करते हैं. एंड शोइंग योर लव वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. और घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उस सबका हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं. तो ये था हमारा हाउस और होम में डिफरेंस. बेसिकली हाउस जो इसके अंदर क्या है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स है. जो हाउस का अर्थ क्योंकि यहाँ पे मकान हो गए, इसमें किसी प्रकार के इमोशंस जुड़े हुए नहीं होते हैं. यह पत्थर ईंट से क्या है, बना हुआ एक मकान होता है, इसमें दरवाजे होते हैं और खिड़कियाँ होती हैं, यार्ड्स होते हैं. किंतु होम क्या होता है, होम में क्या है कि जिस घर में हम जिस मकान में हम रहते हैं वो घर बन जाता है. उसमें क्या होते हैं, हमारे परिवार होता है, उसमें हम सब एक साथ प्रेम से रहते हैं, हम एक दूसरे के लिए कार्य भी करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और हम अपने छोटों का ध्यान रखते हैं. जब हम भी कभी क्या बोलते हैं कि हम मकान कुछ हमें घर देखने जाता है, क्या बोलते हैं, हम मकान देखने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो मकान क्या है, उसमें केवल ईंट पत्थर से बना हुआ ही इमारत है और कुछ नहीं है. और जब उसके अंदर रहते हैं तब बोलते हैं घर. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसान रहते हैं, उसमें हमारे इमोशन जुड़े हुए होते हैं. थैंक यू.